अस्सलाम वालेकुम। ऑन बिहाफ ऑफ रफी सिक्योरिटीज मोहम्मद उजैफा आप सब लोग की खिदमत में हाजिर है। केसी अंडर इंडेक्स की बात करें तो बड़ा जबरदस्त किस्म का बुलिश मोमेंटम हमें जो है वो कंटिन्यू होता हुआ नजर आया। इंडेक्स में सुबह स्टार्ट ही बड़ा जबरदस्त किस्म का पॉजिटिव लिया था, 80,120 के करीब आया। वहाँ से जो चैनल की रेजिस्टेंस थी थोड़ा सा फिर नीचे आया, सपोर्ट ली और उस सपोर्ट रेजिस्टेंस को ब्रेक करके जो है वो बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू रखा इसने। आज का हाई हम लोगों ने 80,587 के करीब देखने को मिला। क्लोजिंग जो है वो हाई से थोड़ा सा नीचे करीब ही है, 80,461 के लेवल के ऊपर देखने को मिली है। नेट बेसिस के ऊपर इंडेक्स ने 970 पॉइंट्स गेन करता हुआ नजर आया है। बड़ा जबरदस्त किस्म के पॉइंट्स जो है वो इंडेक्स के अंदर आज ये होते हुए नजर आए। टॉप परफॉर्मेंस की बात करें, वॉल्यूम लीडर की बात करें तो WTL आज वॉल्यूम लीडर की लिस्ट के अंदर शामिल है। TRG के ऊपर आज हम लोगों ने कैप भी लगते हुए देखने को मिला। काफ़ी टाइम के बाद जो है वो इसके अंदर मोमेंटम हमें कंटिन्यू होता हुआ नज़र आया, आज कैप लगते हुए देखने को मिला। बहुत टाइम के बाद इसको आगे डिटेल के अंदर डिस्कस करते हैं चार्ट के ऊपर। ये भी आज वॉल्यूम लीडर की लिस्ट के अंदर शामिल है। पैस पाकिस्तान लॉर्ड्स का रिजल्ट आया, बड़ा जबरदस्त किस्म का रिजल्ट आया, अच्छी EPS आई है, इसी वजह से इसके अंदर जो है वो कैप भी लगते हुए देखने को मिला है। FCSC भी जो है वॉल्यूम लीडर की लिस्ट के अंदर हमें शामिल होता हुआ नज़र आया। टॉप पॉइंट्स कंट्रीब्यूटर की बात करें, हमारी जो है वो इंडेक्स को सपोर्ट करता हुआ नजर आ रहा है। आज इसने 285 पॉइंट राइड किए हैं, ईपट 142 पॉइंट, UBL 72 पॉइंट, MFC 67 पॉइंट, TRG 60 पॉइंट, मिजान बैंक 50 पॉइंट, पाक ऑयल फील्ड 49 पॉइंट, MCB 49 पॉइंट ऐड करते हुए हमें नजर आए हैं। लूजर साइड के ऊपर देखें तो थल जो है वो 16 पॉइंट लूज करता हुआ नजर आया, BHL 16 पॉइंट, INIL 11 पॉइंट, कोलगेट 9.5 पॉइंट, ISL 9.5 पॉइंट, FABL 7.5 पॉइंट लूज करते हुए हमें नजर आए हैं। वॉल्यूम की अगर बात की जाए तो केसी 100 इंडेक्स के अंदर वॉल्यूम जो है वो कल के मुकाबले में निस्बतन थोड़े से मामूली से कम देखे हैं। आज हम लोगों ने केसी 100 इंडेक्स के अंदर 148.58 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन के अंदर हम लोगों ने 152.285 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा था। लास्ट ट्रेडिंग सेशन के मुकाबले में अगर वॉल्यूम को कंपेयर किया जाए तो 3.7 मिलियन वॉल्यूम हम लोगों ने कम देखे, और अगर ये परसेंटेज के अंदर देखा जाए तो 2.4% वॉल्यूम हमें ज्यादा, तो 2.4% वॉल्यूम हमें कम जनरेट होते हुए नजर आए हैं। इंडेक्स ने जो है वो यहाँ पे इस पैरेलल चैनल को आज ब्रेक किया है। सुबह यहाँ से रेजिस्टेंस लेने की कोशिश की थी, 80,120 के पास से रिजेक्शन ली, थोड़ा सा नीचे आया था, लेकिन इसके बाद दोबारा से मोमेंटम कंटिन्यू हुआ और इंडेक्स जो है वो इस चैनल को ब्रेक किया और क्लोजिंग जो है वो इससे ऊपर देने में कामयाब हो गया। ये चैनल जो है वो काफ़ी टाइम से चलता हुआ आ रहा था, इस चैनल को जो है ऊपर क्लोजिंग होना, इसका ब्रेकआउट होना वो बड़ी जबरदस्त किस्म की साइन है। लेकिन आगे वीकली बेसिस के ऊपर कुछ इश्यूज हैं, ठीक है, इंडेक्स मेजर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया, उसको डिटेल में देखते हैं। अब जो है वो इंडेक्स जो है वो अपसाइड के ऊपर नेक्स्ट जो टारगेट होते हुए नजर आएंगे अचीव इंशाल्लाह 80,760 से लेके 80,880 और 80,960 तक इंडेक्स जो है वो हमें जाता हुआ नजर आएगा। सपोर्ट की अगर बात की जाए तो ये चैनल की जो अब ब्रेकआउट हुआ है वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया 80,240 से लेके 80,140 का लेवल जो है वो अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है। इसके अलावा अगर वीकली बेसिस के ऊपर चेक किया जाए तो वीकली बेसिस के ऊपर जब लास्ट टाइम इंडेक्स ने बड़ा जबरदस्त किस्म का मोमेंटम बनाया था और 81,940 के करीब गया था, ठीक है, तो लेकिन उस वक्त जो है उस वीकली क्लोजिंग जो है 80,117 के लेवल के ऊपर देखने को मिली थी, और फिर नेक्स्ट वीक जो है वो हमें काफ़ी ज़्यादा सेलिंग प्रेशर आता हुआ देखने को मिला था, 2000 पॉइंट इंडेक्स ने लूज़ कर दिए थे। फिर इसके बाद जो इंडेक्स एक अच्छी हेल्दी कंसोलिडेशन के बाद अब अपसाइड की तरफ मोमेंटम बनाता हुआ नजर आ रहा है। आज की क्लोजिंग हम लोगों ने 80,461 के ऊपर देखने को मिली है, लेकिन हाईएस्ट वीकली क्लोजिंग हम लोग देखें ना तो हाईएस्ट वीकली क्लोजिंग जो इंडेक्स की अब तक हुई है वो 80,117 के लेवल के ऊपर देखने को मिली है। तो अभी जो है वो इंडेक्स हाईएस्ट वीकली क्लोजिंग से ऊपर है, तो ये अभी फ्राइडे का सेशन जो होगा वीकली क्लोजिंग का वो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन होगा कि इंडेक्स जो है वो क्या इस वीकली क्लोजिंग से ऊपर सस्टेन हो पाता है, इस वीकली क्लोजिंग से ऊपर क्लोजिंग दे पाता है, या इस बॉडी को देखें वीकली बेसिस के ऊपर तो इस बॉडी से ऊपर जो है वीकली क्लोजिंग होना 80,740 से 80,750 से ऊपर वीकली क्लोजिंग होना ये एक बड़ा पॉजिटिव साइन होगा। तो ये एक चीज़ है इंडेक्स के लिए शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर रेजिस्टेंस लेवल, क्योंकि इंडेक्स जो है वो जुलाई के मिड के अंदर ये लेवल 81,940 का हाई लगाया था और फिर क्लोजिंग जो है वो 80,117 के लेवल के ऊपर देखने को मिली थी। उसके बाद से जो है वो इस लेवल को इंडेक्स जो है वो टेस्ट नहीं किया, इसके बाद लगातार नीचे ही रहा। अब जो है यहाँ इंडेक्स को देखना है कि इस लेवल से ऊपर वीकली बेसिस के ऊपर मजबूती से होल्ड कर पाता है या नहीं कर पाता, तो ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होगी। इसके अलावा अगर RSI को चेक करें ना, RSI जो है वो शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर तो बड़ी बुलिश डाइवर्जेंस है यहाँ पे, ठीक है, लेकिन अगर इसको RSI का ब्रेकआउट देखें,
आरएसआई का अभी तक ब्रेकआउट हमें होता हुआ देखने को नहीं मिला। ये आरएसआई का ब्रेकआउट यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो ये दिसंबर 2023 के अंदर हम लोगों ने जो हाई लगते हुए देखने को मिला था, उसके बाद से जो ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस चलती हुई आ रही है यहाँ पे, वो आरएसआई जो है वो 69-70 के पास यहाँ पे इसकी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लाइन है, और अभी जो आरएसआई है वो 67 के लेवल के ऊपर है। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट चीज होगी वीकली बेसिस के ऊपर कि इंडेक्स अगर यहाँ पे जाता है 80,800-900 तो वहाँ क्या रिएक्शन देखने को मिलता है बायर्स और सेलर का, वहाँ जो मार्केट के पार्टिसिपेंट है वो किस तरह से मूव करते हैं या प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिलती है, वीकली क्लोजिंग किस तरह से आती है, तो वो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होगी। इसके अलावा अगर आइटम्स को डिस्कस करें तो आइटम्स के अंदर टीआरजी जो है वो आज बड़ा ज़बरदस्त किस्म का कैप लगता हुआ देखने को मिला। यहाँ पे टीआरजी का जैसे ब्रेकआउट हुआ दिसंबर 2023 से अगर शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर देखें, ये शॉर्ट ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस है, इसके बाद 185 के बाद जब हाई लगा था वहाँ से भी एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे, वो भी नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल बताएंगे। पहले ये दिसंबर 2023 से जो ट्रेंड लाइन चलती भी आ रही है उसका आज यहाँ पे हम लोगों ने 56 से ऊपर ब्रेकआउट होते हुए देखने को मिला। सुबह चार्ट शेयर किया था 54 के लेवल के करीब की, अगर 56 से ऊपर सस्टेन हो जाता है तो हमें जो है वो बुलिश मोमेंटम मजीद आके कंटिन्यू होता हुआ नजर आ सकता है। इसके अलावा एक्सपेक्टेड बॉटम भी इसका बताया था, 50 रुपीज़ से लेके 40 रुपीज़ का एक्सपेक्टेड बॉटम है, ये ग्रुप्स के अंदर शेयर किया था। इसका लॉन्ग टर्म एनालिसिस, लॉन्ग टर्म टारगेट्स वगैरह सारी चीज़ें हमने अपने ग्रुप्स के अंदर शेयर किए हुए हैं। तो बिल्कुल एग्जैक्ट अपने बॉटम के पास से ही रिबाउंड होता हुआ नजर आ रहा है, आज इसके अंदर कैप भी लगते हुए देखने को मिला। इसके बाद अगर हम लोग देखें ना तो यहाँ पे जो 185 के करीब इसका हाई लगा था, 185 के करीब हाई लगने के बाद जो इसकी ट्रेंड लाइन चलती भी आ रही है, वो ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस कहाँ पे, वो ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस जो है वो कल के लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पे 63-64 के पास जो है वो इसकी स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस है, ठीक है। यहाँ पे देखें तो नवंबर 2022 के अंदर जब इसका हाई लगा था 150 के करीब से जो है वो इसकी ट्रेंड लाइन चलती भी आ रही है। यहाँ से ये 64 के पास है, ये लेवल देखना है कि कल टीआरजी किस तरह से यहाँ पे इस लेवल के करीब मूव देता है, क्या बायर्स जो है वो इस ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक करते हैं और इससे ऊपर मजबूती से टीआरजी ऊपर होल्ड होता है, या फिर कल हमें दोबारा से जो है वो प्रॉफिट टेकिंग होते हुए देखने को मिलती है 64 के लेवल, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ होगी। इसके अलावा अगर मैं पीएसओ को डिस्कस करूं, पीएसओ भी जो है वो अपने ब्रेकआउट लेवल के पास ही हमें क्लोज होता हुआ देखने को मिला है, बिल्कुल एग्जैक्ट जो इसका ब्रेकआउट लेवल है वहीं पे इसके अंदर क्लोजिंग देखने को मिली है। यहाँ पे देखें तो इसने दिसंबर 2023 के अंदर जब इसका हाई लगा था 218-220 के करीब का, वहां से ये ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस चलती भी आ रही है और बिल्कुल एग्जैक्ट इसकी 169 के बाद इसकी ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस है और आज की क्लोजिंग 168.22 के लेवल के ऊपर देखने को मिली है। अब इसका कल का लेवल देखना होगा कि क्या कल ये 169.50 अबव होल्ड हो पाता है या नहीं हो पाता। अगर ये कल 169.50 अबव होल्ड हो गया तो हमें मजीद बुलिश मोमेंटम जो है 173-179 तक मजीद कंटिन्यू होता हुआ नजर आएगा। अगर ये ट्रेंड लाइन से ऊपर होल्ड नहीं होता तो फिर नीचे में भी पॉसिबल ये ट्रेंड लाइन की सपोर्ट को टेस्ट करने आए। वो ट्रेंड लाइन की सपोर्ट यहाँ पे मैं जून 2023 से चलती भी आ रही, यहाँ पे रिकमेंडेड थी हमारी तरफ से बाइंग, ठीक है, वीकली रिपोर्ट्स के अंदर आप लोगों के साथ शेयर किया था 155-157 जो है वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया, यहाँ से बिल्कुल चैनल के बॉटम के पास से ये रीबाउंड होता हुआ नजर आया, ऑलमोस्ट इसने टारगेट अचीव किए। अगर ये कल 169.50 से ऊपर होल्ड हो जाता है तो मजीद इसके अंदर जो है वो बुलिश मोमेंटम हमें कंटिन्यू होता हुआ नजर आ सकता है। तो जिस तरह इसकी बाय कॉल दी थी 155-157 के करीब, टीआरजी का बताया था कि 50-40 जो है इसके दरमियान जो है इसका एक्सपेक्टेड बॉटम लगता हुआ नजर आएगा, वहाँ से इसके अंदर बड़ा जबरदस्त किस्म का आज कैप लगते हुए देखने को मिला। ये सारी चीज़ें हम जो है वो अपने ग्रुप्स के अंदर शेयर कर रहे होते हैं, तो आप लोग ये सारी चीज़ें जो है वो हासिल करना चाहते हैं तो हमारे पास अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। अकाउंट ओपन करवाने के लिए व्हाट्सअप नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट करेंगे, वहाँ पे आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। बाकी आपको वीडियो किस तरह लग रही है कमेंट में लाजम बताएं, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अपनी दुआ में खास याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।